ज्यादती हो गई हमारे साथ। अभी ये तबीयत खराब पूछा मैंने कुछ अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, मैं आपका मेज़बान अब्दुल मजीद खान। आज हम जाएंगे शूट पर और ये सब निश्चित देखो सो रहे हैं। तो भाई टाइम जो है वो 6 बजे का हो गया, फजर का टाइम है। पहले फजर पढ़ेंगे उसके बाद फिर शूट पे जाने की तैयारी करेंगे। तो पहले निश्चित को उठा देता हूँ मैं। मुसलमानों जन्नत के हकदारों, फजर का वक्त हो चुका है। शूट पे जाने वाले हो, शूट का प्रोग्राम बनाने वाले हो, क्या टाइम हो रहा है? 6:10। उड़ जाइए उड़ जाइए उड़ जाइए, शाबाश। ये बंदा जो है शादी के बाद पहली बार इसको इतनी सुकून की नींद आई होगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और उधर शादी के बाद पहली बार सुकून से सोकर कैसा लगा? मुझे मायू वाली रात याद आ गई। आप अभी कोई इंसिडेंट बता रहे थे। यार मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू मैं नीचे नहीं रह सकता, मुझे ऊपर एक कमरा लाजमी चाहिए। तो अब्बू ने कमरा बना के दे दिया। अच्छा वो बकरा खाते ये मुर्गी का दरबा और साथ में बकरा बढ़ रहा है भाई। हालात ख़राब है तो इसलिए अभी मोबाइल को हम रख रहे हैं, फिर जब हम लोकेशन पे पहुंच जाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे। अभी पेट्रोल पम्प में इस वजह से यहाँ पे मोबाइल निकाल लिया, वरना हम कहीं निकाल रहे हैं। बहुत हालात ख़राब है, आप भी एहतियात करें, हम भी एहतियात करेंगे। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किया तो करो ना यार, करो। माशाल्लाह से आप कराची आपने साफ देखा है पहले कभी? खासतौर पर सीवियो बड़ा टाइम हो गया। तो भाई साहब ज्यादती हो गई हमारे साथ। सीवीओ आ चुका है, सीवीओ आ गए, लेकिन ये देख रहा हूँ हमारे साथ जो बंदे हैं ना सही नहीं है। कहाँ निकल गए बताओ, क्या हो रहा है जिंदगी में? हमारी तो तबीयत बहुत खराब, पूछा मैंने कुछ फिर भी हम आ गए सीवीओ। किसको फिक्र है? कोई फिक्र करने वाले ही नहीं है। आपको यूं कह लो कि जरा भी शर्म नहीं आई? नहीं। क्यों हमें छोड़ के यहाँ पर आ गए? तो नाजिन आपको हमारी जोड़ी कैसी लगी ये हमें बताएं। ये तो बात की बात है यार, के अंदर अभी ये तबीयत खराब, पूछा मैंने कुछ और हमें सीवीओ को। लेकिन दुख इस बात का है कि वो बोलने वाली नहीं है ना यार, कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे तो। ए रहा नहीं जाता। लोकेशन माशाल्लाह से बहुत प्यारी है यार। यार लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है यहाँ पे। हम कुछ मेन लोकेशन तो हम रेगिस्तान टाइप की कोई वीडियो भी शूट कर सकते हैं। यकीन करें कराची के अंदर ये लोकेशन है, और पाकिस्तानी मूवीज़ ड्रामास के अंदर इतनी प्यारी लोकेशन क्यों नहीं होती? खाम खाई बाहर जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं यार। उसने पाकिस्तान को देखा यार, कितना खूबसूरत है कराची। सी वी ओ के ये थोड़ा सा आगे ही है। क्या बात है VIP। नाजरी मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। तेरी यादों में रहूँ, तेरे ख्वाबों में जगूँ। यकीन करे वो अगर फिर किसी ने कहा ना कि यहाँ आना है तो मैं आ जाऊँगा। सस्ता कैफी खलील बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन आप देख सकते हैं मैं कौन सी जगह पे आऊँ। क्या बात, इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। नाजरीन पत्थरों का सफर तय कर अभी हम एक और टास्क खुद के साथ खेलने जा रहे हैं। हम टावर पे चढ़ने जा रहे हैं। पाँच भाई आप कुछ फरमाना चाहेंगे इस टावर के बारे में? क्या चढ़ के फरमाएंगे? तो नाजरीन मैं काफ़ी ऊपर चढ़ चुका था,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी फुटेज बना नहीं पाए। झूठ बोल रहा है। अभी जो है बस जाने का वक्त हो चुका है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना यार, किस लिए बैठे हो, शेयर किया करो यार। कोई तरीका है भीख मांगने का? और क्या कहते हैं, बस इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। हमें कौन दिखाएगा? अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़। ओ गमजदा कुछ तो बोल दो। अब गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी क्या बोले, गर्मी बहुत हो रही है, वो पानी पिला। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। गाड़ी चमक जाएगी।